नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले करूंगा एक गुजारिश कि अभी तक आपने स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे लाल बटन के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इससे होगा क्या कि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वो जो पास में घंटी का निशान लगा उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं और मैं उसमें हैं आप असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर्स और जूनियर लीगल ऑफिसर्स, जूनियर अकाउंटेंट्स, स्टेनोग्राफर्स, जूनियर असिस्टेंट्स या कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। इन पोस्टों के लिए राजस्थान में एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आप देख सकते हैं, और उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इन पोस्टों का ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप सबसे पहले इसका देख लीजिए नोटिफिकेशन, पोस्ट जनरल की कितनी है, ओबीसी कितनी, एसीएसटी कितनी है इत्यादि, फीमेल और मेल की कितनी पोस्ट हैं, और जो भी जोनल वाइज पोस्ट हैं यहाँ पर डिवाइडेशन कर रखी है। और आप देख सकते हैं प्रत्येक पोस्ट का कौन सी कैटेगरीज की किस हिसाब से पोस्ट, तो आप निश्चित तौर पर उसी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट भरिएगा। ये देखिए आप जूनियर कोई असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का है और ये है आपका जूनियर लीगल ऑफिसर, देख सकते हैं आपकी पोस्ट, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये देखिए आप जूनियर अकाउंटेंट, वो बाद में बात करेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन जो भी कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। और स्टेनोग्राफर की पोस्ट आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरीज की किस प्रकार पोस्ट हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं ये जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट, इसकी पोस्ट आप देख लीजिएगा डिटेल से क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी ही इसी पोस्ट के लिए हैं। 2110 पोस्ट हैं टोटली इसके, और जो कैटेगरी वाइज और जोनल वाइज पोस्ट डिवाइडेशन की गई हैं आप देख सकते हो और अपना ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका सैलरी जो को बेसिक सैलरी है उसका देखिए आप काफ़ी शानदार सैलरी इसका है। और ये देखिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो भी पोस्ट डिवाइडेशन कर रखे हैं उसका किस हिसाब से है। जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है उसके लिए आपको मास्टर इन सोशल वर्क या MBA होना चाहिए आपका, आप देख सकते हैं इस प्रकार आपका। और बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लेबर लॉज, इसमें ये डिप्लोमा होना चाहिए, ये अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हो तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। और जो जूनियर लीगल ऑफिसर, इसमें आपको लो ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर आपका इसके में लो ग्रेजुएट है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स फील्ड से या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं तो निश्चित तौर पर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सको। और जो भी इसमें कंप्यूटर कॉमर्स के साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा की प्रायोरिटी भी रखी गई है तो वो भी आप देख सकते हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको होना चाहिए। ए में तो आपका ग्रेजुएट का फील्ड हो गया और सेकंड में आपका कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा हो गया। और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद में आपका कंप्यूटर संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए, देखिए। और जो जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इस पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किस स्ट्रीम से होनी चाहिए, आपकी किसी भी स्ट्रीम में यानी कि
आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकोगे। और आपका फिर उसके बाद में क्या है, आपका डिप्लोमा कंप्यूटर में संबंधित होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर संबंधित ओ लेवल है, PGDCA है, RACID है, उस संबंधित आपका कोई भी कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। ये देखिए RACID का दे रखा है। अगर ये आप क्वालिफिकेशन रखते हो तो निश्चित तौर पर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। और जो इसकी ऑनलाइन आवेदन की तारीख है वो है 22 मई से आप 11 जून के बीच में इसका ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो दोस्तों। अब फीस का क्राइटेरिया देखिए, आप अगर जनरल कैटेगरी से हो यानी कि और 1.5 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा है तो 850 रुपये आपको फीस देनी होगी, और अगर आपकी 2.5 लाख से सैलरी कम है, मतलब फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, आप कैटेगरी किसी से भी हो और उसको 550 रुपये देना होगा। और इसका आप पेमेंट है जो ऑनलाइन के लिए आपको 22 मई से 11 जून के बीच में करना कंपलसरी है, देख सकते हैं आप। ये देख लीजिएगा आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्ज़ाम होगा और असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड, इनके लिए आप ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे के ड्यूरेशन में होगा आपका। और ये आपका थोड़ा सिलेबस भी देखिए, आप असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर पोस्ट के लिए आप अगर जा रहे हैं तो आपका 60% वेटेज इन सेक्शन का रहेगा, ये देख सकते हैं आप। और बाद में पार्ट्स बी का ये आपका रहेगा इसमें, और बी पार्ट्स का आपका 40% वेटेज रहेगा, और ये आपका सिलेबस इस प्रकार रहेगा। और जो जूनियर लीगल ऑफिसर हैं उस पोस्ट के लिए आपका 60% वेटेज इस संबंधित सब्जेक्ट का रहेगा, और 40% वेटेज आपका ये रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड साइंस एंड हिंदी एंड इंग्लिश इत्यादि का रहेगा। और जूनियर अकाउंटेंट्स पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इसका आप सिलेबस 60% वेटेज आपका इनका रहेगा और 40% वेटेज आपका इन सब्जेक्ट का रहेगा। और ये देखिए स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका फेज फर्स्ट में आपका रिटर्न एग्ज़ाम के लिए इस प्रकार 40% वेटेज रहेगा, और बाकी 60% का वेटेज आपका शॉर्ट हैंड का रहेगा यानी वो स्टेनो का रहेगा, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद में आती हैं जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, और 40% वेटेज आपका इसमें इनका रहेगा इन सब्जेक्ट का। और इसका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन मोड पर हो सकता है यहाँ इसका, और ये सब्जेक्ट आपका रहेगा इसमें 40% वेटेज इनका रहेगा, और आपका फिर 60% वेटेज है जो आपका इन दोनों का रहेगा, यानी आपका टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग होगा और इस भी टेस्ट किया जाएगा और एफिशिएंसी भी देखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो कम अनडिजिटल कैटेगरी उनकी 30% और SC ST कैंडिडेट उनके लिए 20% का रखा गया है।
और जो एग्ज़ाम सेंटर आपके रहेंगे अबाउट राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में तकरीबन रहेंगे और काफ़ी सारे बाहर भी रखे गए हैं। देखिए दी आप एग्ज़ाम सेंटर आपका रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। और राजस्थान के अप्रोक्स मेन मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इनके एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं, तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना आप, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, अपने फेसबुक आईडी पर शेयर कीजिए। और इस संबंध में आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, यथाशीघ्र हम आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।